रूस और अमेरिका के बीच आसमानी रार। रूसी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन्स को रोका, रास्ता बदलने को किया मजबूर। एक बार नहीं, हो रहा है ये बार बार। दोनों देशों का ये आसमानी संघर्ष क्या ये आहट है किसी बड़े टकराव की? रूस और अमेरिका की आपसी रार जैसे कुछ खतरनाक मोड़ लेने को आतुर दिख रही है। इस आपसी खुन्नस का नजारा दिख रहा है आसमान में। हाल ही में रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया के आसमान में एक अमेरिकी ड्रोन को अपनी हरकतों से इस कदर तंग किया कि आसमानी खतरे का सबब बन गया। बड़ी बात है कि लगातार दो दिनों में ये ऐसी दूसरी घटना है और इस सबके बीच दोनों देशों के टकराव का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि इस घटना में दो रूसी लड़ाकू विमान SU-45 और SU-35 शामिल थे, जिन्होंने लगभग एक घंटे तक अमेरिकी ड्रोन को उलझाए रखा। यूएस सेंट्रल कमांड ने घटना का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इसे ड्रोन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे रूसी फाइटर जेट्स अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स के बेहद पास उड़ान भर रहे हैं। इस घटना के एक दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां तीन रूसी लड़ाकू जेट विमानों ने सीरिया के ऊपर तीन अमेरिकी ड्रोन्स को परेशान किया था। उस मुठभेड़ में रूसी जेट विमानों ने अमेरिकी ड्रोन के सामने पैराशूट फ्लेयर गिराए, जिससे ड्रोन को ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। इस तरह की घटना बाकी उड़ानों के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। जिस तरह से यह सब कुछ हुआ, उसने अमेरिका को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये सब कुछ जानबूझकर गलत नियत से किया जा रहा है। इस तरह की हरकतों की वजह से अमेरिका की तरफ से भी बयान जारी हुआ। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने कहा, मॉस्को के सैन्य विमान ने गुरुवार को सुबह 9:30 बजे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के साथ असुरक्षित और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। रूसी लड़ाकू जेट एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन के करीब पहुंच गए। रूसी जेट विमानों में से एक ने अमेरिकी ड्रोन के सामने फ्लेयर छोड़े। ऐसा लगा कि वो उस पर हमला करने का प्रयास कर रहा था। विमानों ने खतरनाक तरीके से उड़ान भरी, जिसकी वजह से सभी विमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इससे पहले भी मार्च में रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिका के एडवांस रिपर ड्रोन पर हमला किया था। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर सर्विलांस कर रहा था। रूस के दो SU-27 ने रिपर को 40 मिनट तक घेर कर उस पर फ्यूल गिराया था। ये फ्यूल रिपर के प्रोपेलर में पहुंचा और ड्रोन कुछ देर बाद ब्लैक सी में क्रैश हो गया था। वैसे मॉस्को ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और उसे महज एक हादसा बताया था। अब यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि रूसी और अमेरिकी सेनाएं सीरिया में क्या कर रही हैं, जिसके आसमान में ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल अमेरिका मुख्य रूप से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS से निपटने के लिए वहां जमी हुई है और रूस राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार का समर्थन कर रहा है। तो दोनों की वहां टिकने की वजह तो है, लेकिन जो हो रहा है वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। वैसे इस घटना के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रिनकेविच ने सीरिया में सक्रिय वायुसेना के इन कार्यों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने रूसी सेनाओं से अपने लापरवाह व्यवहार को रोकने और एक पेशेवर वायुसेना के मानकों का पालन करने का आग्रह भी किया है। अब देखते हैं US के इस आग्रह को रूस किस तरह से लेता है। आसमानी टकराव की ये गर्माहट कम होती है या फिर और बढ़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।